15वीं अंतर सीमांत कमांडो ट्रेनिंग प्रतियोगिता का आज समापन समारोह संपन्न किया गया। देश भर से आई ग्वालियर के टेकनपुर में कमांडो प्रतियोगिता में भाग लेने वाली टीमों में उच्च कोटि का प्रदर्शन करने वाली टीमों को आज सम्मानित किया गया। लाल तेंदु मोहिंते अपर महानिदेशक सीमा सुरक्षा बल इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि थे। महानिरीक्षक संयुक्त निदेशक अकादमी टेकनपुर के साथ अन्य वरिष्ठ अधिकारी इस मौके पर उपस्थित हुए। जवानों को पुरस्कार वितरण करते समय अन्य साथी जवानों ने उनका तालियां बजाकर उत्साह बढ़ाया। बीएसएफ का बैंड भी इस अवसर पर मधुर धुन बजाता रहा। कार्यक्रम में उपस्थित मुख्य अतिथियों ने जवानों के साहस और वीरता की तारीफ करते हुए बताया कि इनका यही प्रशिक्षण इन्हें देश का जावां सैनिक बनाता है। नॉर्थ बंगाल ने प्रथम, जम्मू ने द्वितीय एवं गुजरात सीमांत ने तीसरा स्थान प्राप्त कर अपने अपने राज्यों का मान और सम्मान बढ़ाया। बीएसएफ कमांडो की इस और मुख्य अतिथि माननीय श्री कंपटीशन प्रतियोगिता में व्यक्तिगत श्रेणी में जम्मू सीमांत के आरक्षक मुस्ताक अहमद ने प्रथम स्थान प्राप्त किया। इन सभी को मेडल और ट्रॉफियां प्रदान की गईं। आरबीएस लाइव इंडिया पर आपका स्वागत है। मैं आपको बता दूं कि इस समय बीएसएफ के टेकनपुर में पूरे देश से कमांडो की ट्रेनिंग लेने के बाद यहां पर एक कॉम्पिटिशन का आयोजन किया गया। जम्मू फ्रंटियर के आप जवानों को देख रहे हैं, किस बात की है, क्या क्या जीता है आपने? ये सर हम ओवरऑल सेकंड जीता है जी, इसी का ऊपर से जी। आप बताइए सर, ये आप जो ट्रॉफी लिए हुए हैं इसके बारे में कोई जानकारी दे पाया कौन? आईएफसीसी जो इंटर फंटर कमांडर कंपटीशन होता है, जैसे कि बीएसएफ में टोटल 12 फंटर है और 12 फंटर में से हम आज की डेट में ऑल ओवर सेकंड पोजीशन लेके आए, इसलिए हम बहुत खुश है। और हमारा ये नारा के बजाय है हमारे जोश, अपनी देश की सेवा की हिफाजत करने के लिए यहाँ पर आए हुए हैं और इनको
क्योंकि यहाँ पर किस तरीके से जो कॉम्पिटिशन में इन्होंने भाग लिया है, उस कॉम्पिटिशन में भाग लेने के बाद आप सब लोग लाइव है इस समय बताइए ये ट्रॉफी आपने जीती है। ये देखिए अब ये उत्साह है हमारे देश के जाबाज वीर सैनिकों का। ये मुकाम आता है किस कदर खुशनसीब है वो कमांडो हूँ जिनका वतन के काम आता है। अपनी ट्रॉफी जीतने के बाद में अपने उत्साह को यहाँ पर प्रदर्शित कर रहे हैं। आज अंतर सीमांत कमांडो प्रतियोगिता का सर थोड़ा तरीके का आयोजन किस उद्देश्य से रखा? देखिए जैसे कि अभी मुख्य अतिथि ने बताया था कि ये 15वां अंतर सीमांत कमांडो प्रतियोगिता है। 14 प्रतियोगिता इससे पहले यही अकेडमी के अंदर हो चुकी है। इस कमांडो प्रतियोगिता का जो आयोजन करने का जो मेन जो उद्देश्य है वो उद्देश्य है कि जो डेली रूटीन में कुछ इस तरह के अवसर होते हैं सीमा सुरक्षा बल को कि जिसमें कमांडो ऑपरेशंस करने होते हैं उसके लिए तैयार करना, और दूसरे जो है टीमों के अंदर एक कंपटीशन की जो प्रतियोगिता की जो भावना है वो पैदा करना होता है। सर इसमें देश के कहाँ कहाँ से लोग जो ट्रेनिंग के लिए आए हुए थे कमांडो? इसमें जैसे बताया था कि 10 टीमों ने भाग लिया है, जिसमें अगर आप शुरू से अगर करेंगे तो कश्मीर फ्रंटियर से लेकर के और त्रिपुरा तक टोटल 10 टीमों ने इसमें भाग लिया है। ये कितने दिन की ट्रेनिंग थी?